Assalamu alaikum class, I am Wasim Sheikh. Today I am going to deliver lecture on the diffusion. Kis cell mein diffusion kaise hota hai, hum aaj dekhenge. Transport across the cellular membrane. To aaj ka topic hai transport across bio membrane. As you know, that's the, आप जैसे जानते हैं कि भाई दो तरह के जानवर होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे जानवर जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक मतलब ऐसे जानवर जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप होता है, और साथ ही साथ सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट, कि बायो मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ जाएंगी कौन सी नहीं जाएंगी, ये तय करने के लिए उसके पास एक मैकेनिज्म होता है जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है. देयर आर द टू काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट इज एन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देयर इज अ टू काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द पैसिव ट्रांसपोर्ट अगेन डिवाइड इन साइड द सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन. गॉट इट? के पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन. गॉट इट? हम का बात करें बायो मेम्ब्रेन की, जो कौन कैसे किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है. सो फर्स्ट, इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, द सोल्यूट और कोई भी आयन या कोई भी सब्सटेंस मूव होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन सेल मेम्ब्रेन एंड हियर द water is too much amount. For example, this is a water molecule. Okay. For example, whatever. For example, this is a oxygen molecule. For example, this believe are the oxygen molecule. And here inside the cell, there is the low concentration of oxygen. In this case, in case of simple diffusion, the oxygen migrate from the higher concentration to the lower concentration. And this phenomena is called a concentration gradient. Along the concentration gradient, माने जहाँ पे concentration ज़्यादा होता है, उधर से कम concentration की तरफ ये move करते हैं. ठीक है? In case of simple diffusion, one vital thing is that कि इसके बारे में खास चीज़ है कि here the no requirement of ATP, adenosine triphosphate की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है. In this case. Now, what happen inside the facilitated diffusion? Again, इसमें भी ATP एनर्जी नहीं लगती है. कोई भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करें तो उसमें एनर्जी नहीं लगती है. What happen inside the facilitated diffusion? It is no ATP required, कि यहाँ पे भी ATP नहीं लगेगा, but it is a selective. कैसी है ये? Selective in nature. It is not a selective in nature. इट इज अ सिलेक्टिव, विच कौन सा आयन आने देना है कौन सा नहीं आने देना है, ये सिलेक्टिव इन नेचर है. इन दिस केस द सोल्यूट आल्सो मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यहाँ पे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आउटसाइड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है और अंदर कम है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्पेसिफिक सब्सटेंस. ये कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस है जो मूवमेंट कर रहा है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हियर दी दिस इज अ प्रोटीन मीडिएटर. वन ऑफ द वाइटल थिंग इज दैट दिस इज अ प्रोटीन मीडिएटर. दिस इज अ प्रोटीन मीडिएटर. इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन लगते हैं. विच प्रोटीन? देयर इज अ टू काइंड ऑफ प्रोटीन. फर्स्ट इज अ, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं कैरियर और दूसरे होते हैं चैनल्स. कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन होते हैं. एक होता है कैरियर प्रोटीन, एक होता है चैनल प्रोटीन. फॉर एग्जांपल,
चैनल प्रोटीन, दे एक्ट लाइक एज अ चैनल एंड दे सब्सटेंस के अंदर आता है, ठीक है। देन कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन द कैरी, फॉर एग्जांपल कैरियर प्रोटीन कुछ इस तरह से होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये कैरियर प्रोटीन हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज इन सेल मेम्ब्रेन, ये कैरियर प्रोटीन इस तरह से होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है जो यहाँ पे आता है, जैसे ये सब्सटेंस यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका ज़्यादा हो तो ये सब्सटेंस कैरियर प्रोटीन के थ्रू कुछ इस तरह होता है, देन कैरियर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और ये कैरियर प्रोटीन कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले वो इस तरह से था, इट्स ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल, नाउ इट्स ओपन इनसाइड द सेल विथ द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। अब ये सोल्यूट सेल मेम्ब्रेन को पास होके सेल के अंदर आ गया, दिस ओकर इनसाइड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दिस फिनोमेना ओकर। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें एनर्जी नहीं लगती, इसमें भी एनर्जी नहीं लगती, बट हियर द प्रोटीन मीडिएटेड, इट इज अ सिलेक्टिव, इट इज अ नॉन सिलेक्टिव। बट वेन सम आयन कंटेन चार्ज, फॉर एग्जाम्पल सम आयन ऑल्सो कंटेन चार्ज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सोडियम और वट एवर जो भी होगा, अगर ऐसा आयन जिसपे कोई चार्ज हो, ऐसा सब्सटेंस जिसपे कोई चार्ज हो और अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वो नीचे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम ज्यादा है और यहाँ पे कम है, बट इट अ चार्ज मॉल्यूल मॉलिक्यूल, नाउ इट्स कॉल्ड अ इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट, दिस ऑल अबाउट द फैसो डिफ्यूजन। नाउ व्हाट अबाउट द एक्टिव डिफ्यूजन, ओके आई लव दिस, व्हाट इज एक्टिव डिफ्यूजन, नाउ अगेन द एक्टिव डिफ्यूजन आर टू टाइप, प्राइमरी एक्टिव डिफ्यूजन एंड सेकेंडरी एक्टिव डिफ्यूजन। वन थिंग अबाउट दैट प्राइमरी एक्टिव डिफ्यूजन, इट इज नीडेड ATP, इसको भी ATP लगेगा, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड द ATP, इट इज अ प्रोटीन मीडिएटर, इट इज ऑल्सो प्रोटीन मीडिएटर। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ ATPase, सोडियम पोटाशियम ATPase, सोडियम पोटाशियम ATPase। What happen in case of sodium potassium ATPase? For example, this is a cell membrane. This is a ATPase enzyme. It is a channel. ठीक है? It contain beta and alpha subunit. There is a two unit, beta and alpha subunit. What happen if सोडियम गेट आउट द सेल, अगर तीन सोडियम, आई डोंट नो आपको दिख रहा है ये कलर नहीं विजिबल है, अगर तीन सोडियम आयन सेल के बाहर जाते हैं तो दो पोटाशियम आयन सेल के अंदर आते हैं, देयर इज अ टू पोटाशियम आयन कम इनसाइड दिस सेल इन केस ऑफ प्राइमरी एक्टिव डिफ्यूजन। दिस फिनोमेना रिक्वायर ATP व्हिच कन्वर्ट इनटू द ADP, got it? What happen in this case? The ATP convert into the ADP. Now, what happen inside the secondary active transport? क्या होता है भाई secondary active transport में? Secondary active transport, in case of secondary active transport की अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई secondary active transport में? कि for example हम example ले glute receptor की, ये कोई और चीज़ की, this is in cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन है, तो फर्स्टली प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से जो होता है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से सोडियम बाहर गया है, ठीक है, हीट इट यूटिलाइज द एनर्जी, ये सोडियम ने बाहर जाने के लिए एनर्जी का यूटिलाइज किया है। नाउ ये सोडियम कंबाइन होता है ग्लूकोज के साथ एंड दे बोथ कम इनसाइड द सेल, कंबाइन होता है ग्लूकोज के साथ, सोडियम कंबाइन होता है ग्लूकोज के साथ
and they both come inside the cell. So what happens inside the secondary transport? सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की वजह से कोई सब्सटेंस बाहर गया है वो यहाँ पे वो एनर्जी यूटिलाइज करके बाहर गया. दे गो आउटसाइड द सेल वाया यूजिंग द एनर्जी एंड हेयर द एनर्जी स्टोरेज एनर्जी आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज मैक्सिमम ऑफ सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल इन केस ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट देन दीज मॉलिक्यूल कंबाइन विद ग्लूकोज और परमानेंटली कंबाइन ये कंबाइन होता है ग्लूकोज के साथ एंड देन सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट दिखाता है यानी ग्लूकोज भी अंदर आता है और सोडियम भी. बट यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. आउट ऑफ द सेल ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन लो है. गॉट इट. तो क्या होता है ग्लूकोज अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है और सोडियम अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. दिस इज हैपन इनसाइड द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Actually, active transport occur again the concentration gradient. Remember, active transport occur again the concentration gradient, while passive transport occur along the concentration gradient. Okay? In next video, we will discuss about the transporter of active and passive transport. This is my lecture. I hope this helps you. Thank you very much.